उसके बाद मैं अपने दोस्त सद्दाम हुसैन भाई जो व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा कि वो भी आए बच्चों के समक्ष कुछ अपनी बातें रखें। सद्दाम हुसैन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अजवत भाई, आपने हमको बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि आपको आज का ये दिन, जिस दिन हम और आप स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 26 जनवरी ये सब चीज जानते हैं, मगर बात यहां पर सोचने की ये आती है कि आज हम लोग इस चीज की वैल्यूएशन को भूल चुके हैं। आज हम लोग सिर्फ इसको एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट कर लेते हैं। इस चीज पर गौर करने की जरूरत है, इस चीज पर सोचने की जरूरत है, इस चीज पर ध्यान करने की जरूरत है कि आज का ये दिन जो हमें और आपको मिला है ये कैसे मिला है। आज का ये दिन हमें और आपको जो मिला है यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए, इसके पीछे हमारे वीर पुरुषों ने, हमारे महापुरुषों ने अपनी बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, तब जाके हमें आपको आज के दिन मिला। पर जरा ये सोचिए आप, जिस अंग्रेजों से, सफेद चमड़ी और काला दिल लिए हुए अंग्रेजों से हमारे महापुरुषों ने आजादी दिलाई, आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, जिस गुलामी से उसको आजाद कराया, मगर मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, आज ये हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान आज फिर एक पिंजरे में कैद होता चला जा रहा है। उस पिंजरे का नाम है जातिवाद, सिर्फ और सिर्फ जातिवाद। आज हम और आप छोटी छोटी बातों में हिंदू और मुसलमान कर लेते हैं, भेदभाव कर लेते हैं। जरा सोचिए उस विषय पर, जरा उस विषय पर सोचिए, उस विषय पर ध्यान करिए कि अगर हमारी युवा, हमारी पुराने लोगों ने इस बातों पर ध्यान किया होता, हिंदू और मुसलमान किया होता, तो शायद हमें और आपको ये खुशनसीब दिन देखने को ना मिलता। मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, आज का ये दिन बहुत ही खुशी का दिन है और हमारे वीर पुरुषों ने हमें ये दिन, हमें और आपको दिया है सोने की चिड़िया कहे जाने वाला हमारा ये भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करा कर दिया है। आज हम जो जातिवाद के इस पिंजरे में कैद होते चले जा रहे हैं, उस पर हमें और आपको ध्यान करना चाहिए। अपने छोटे छोटे बच्चों का प्रोग्राम देखने के बाद बहुत ही दिल खुश हुआ। सबसे पहले तो हम अजवत साहब को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहेंगे और उनकी पूरी टीम को देना चाहेंगे और उनके सबसे करीबी दोस्त पांडे जी को, जो कि पांडे जी कदम से कदम मिला के अजवत साहब के साथ इतने बड़े प्रोग्राम के साथ लगे थे। और अपने पूरे व्यापार मंडल की तरफ से हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत खुशी हुई और कोशिश रहेगी कि आप जिस भी तरह से हमें, हमारे व्यापार मंडल को, हमारे लोगों को जिस भी तरह से आप बुलाना चाहें, जिस भी तरह से आप मदद देना चाहें, आई एम ऑलवेज विद यू। और अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहेंगे कि इफ यू वेट फॉर द हैप्पी मोमेंट देन यू विल बी वेट फॉर एवर But if you are starting, then you will be happy forever. इसका सेंस ये था बच्चों कि आप कभी किसी खुशी का इंतजार मत करना, कभी खुशी का इंतजार मत करना। जो पल आपको मिले उसमें आप खुश रहना सीखो। अगर आप खुशी का इंतजार करोगे तो आप जिंदगी भर खुशी का इंतजार ही करते रह जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।